बंगाल केंद्री में किसान और मजदूर के बीच मामूली कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि किसान ने अपने साथियों के सहित मंडी मजदूर पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उस पर पिस्तौल भी तान दी गई, जिससे अनाज मंडी में हंगामा हो गया और मजदूरों ने हमला करने वाले किसान और उसके साथियों पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद विरोध में मंडी मजदूर काम बंद कर हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें कि इंद्री अनाज मंडी में किसान की ट्राली से धान का कट्टा फटने के कारण किसान व मजदूर के बीच हुई मामूली कहासुनी के बाद किसान ने अपने साथियों के साथ मंडी मजदूर पर हमला करके पिस्तौल तान दी, जिससे वह मौके से फरार हो गए। मजदूरों के अनुसार मंडी में आए एक किसान की ट्रोली से धान का कट्टा फट गया, जिस कारण से किसान की मजदूर गणेश से मामूली कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद किसान अपने साथ करीब 10 व्यक्तियों को लेकर आया और उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। इसी दौरान किसान ने उनके ऊपर पिस्तौल भी तान दी, परंतु मजदूरों के एकजुट होने के कारण आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद सभी मजदूरों ने काम बंद कर दिया और हड़ताल पर चले। घटना की सूचना मिलते ही इंद्री थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मजदूरों के आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। बात सर ऐसी हुई, कोई बोरी पाड़ दी ट्रेली ना, वो बोले अभी बोरी पटकी मेरा ठेकेदार दे देगा। ठेकेदार मौके पर उसने कह दिया चलो भाई हम दे देंगे बोरी, चले गए, कोई झगड़ा नहीं है। उसके बाद में 5-4 मिनट के बाद में बिंडे और ग्वालियर वो जिम्मेदार लेगा और यहाँ पहुँच गए। जिम्मेदार वो जिम्मेदार का ये नहीं पता, आरती का पता जिसके पास है किस नंबर दुकान की। ओ सतीश, राजवीर सतीश, राजवीर सतीश। हाँ जी, तो जो आरती है वो क्या कहता है जी? वो भी उसी के पास से झगड़ रहे, वो भी उसके पास से झगड़ रहे, हाँ उसके पास। तो किसान का पता लग पाया अब तक? हाँ, बस किसान अंदर बैठे, अंदर बैठे। अच्छा, तो आपने पुलिस को सूचना की है? नहीं, अभी हम तो यहाँ आए, अभी मंडी प्रधान बुला रखे जी, मंडी का प्रधान बुला रखे। भाई साहब, बात ये हुई कि ये लेबर यहाँ काम कर रही थी, इनके ट्रालियाँ जा रही थी, बोरी फाड़ दिया। बोरी फाड़ने के बाद इनको कहा गया कि भाई साहब बोरी क्यों फाड़ दिए? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बोरी फिर बोरी, गुस्से आके बोला कि दे देंगे। मैं कहा चलो कोई गुस्से, भाई साहब क्या हो रहे? इतने देर में उनका ठेकेदार आ गया, ठेकेदार कहने लगा बोरी हम दे देंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, भाई साहब हो गया, बात खत्म जी, चले गया यहाँ से। इतना देर में अपना काम पे आ गया, इतना देर में बिंडा और रिवॉल्वर लेके 10 जने कम से कम सारे मंडी सारे हम देखेंगे दुनिया जी, यहाँ आने के 10 जने में हेर के बिंडा से इसको चारों तरफ पीटने लगा जी। और इसके बाद रिवॉल्वर काट लिया, जब रिवॉल्वर काट लिया हम सोचा तो गोलियां चला देगा जी। फिर हमने इसको पत्थर उठा के इसको खदरने कोशिश करी, फिर उसके अंदर दुकान जाकर बैठा हुआ जी। सर जी, तो क्या मांग कर रहे हो आप? मांग करें इसका इंसाफ दीजिए सर, मैं तो इंसाफ ही मांग करें इसका, इसका तो जायज इंसाफ हो वो चाहिए। मैंने मंडी में एक सूचना प्राप्त हुई थी मजदूर की, किसी किसान की आपस में कहासुनी हो गई है, अगर अब मौके पर पहुंचे हैं, अगर कोई शिकायत मिलेगी, जैसी शिकायत मिलेगी वैसी कार्रवाई करते हैं। तो मजदूर को पीटा भी गया है किसी? अभी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कोई, लेकिन सुनने में आया कि नहीं कोई झगड़ा हुआ आपस में, थोड़ी बहुत ही मारपीट हुई है, जैसी शिकायत प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई करेंगे। जीरी के कट्टे के विषय के बारे में बात हुई, कुदरती मैं भी अचानक अपनी डेरी तलवार हवा में भी पहुँच गया, तो वो 2-3 किसान थे और एक वो पल्लेदार है गणेश नाम का, और राजवीर धर्मवीर की फर्म का वो व्यक्ति है, उसको उन्होंने पीटा, कुछ लाठियाँ मारी। फिर मैंने पता किया झगड़ा किस बात का था, कोई बोरी पटने के कारण उनका झगड़ा हुआ। तो फिर मैंने भी बीच में बड़ा रिक्वेस्ट करका दोनों पार्टियों को, उनको वहाँ से दूसरे साइड में चलाया और लेबर को रोक के रखा, तो फिर युद्ध उधर करें। पर उसके बाद कोई भगवान की मैं तो दया कहूँगा कि किसी प्रकार का कोई मारपीट से सभी बचाव हो गया, और बाकी इनका एसोसिएशन की तरफ से इनका विचार करके इनका समझौता कराएंगे और मंडी में, ताकि सुचारू रूप से काम चल सके। किसान के साथ हुआ झगड़ा? हाँ, कि किसान है वो राजवीर सतीश कुमार, जो फर्म है उसके किसान है वो, 200 गांव के, जिसने लेबर को मारा है, जिसने लेबर के साथ झगड़ा किया, उसे मारपीट की। तो कोई 10-12 आदमी भी आए उनके साथ? 10-12 तो नहीं थे, पर 3-4 लोग तो थे जो मैंने देखा है। तो कोई पिस्टल भी लड़ता साथ में? तो कोई साथ में नहीं, वो पिस्टल की बात मेरे सामने तो कोई आई नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।